है एवरी वन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डे सी वाई कैपेसिटर डजन ब्लॉक ए सी सो इसके uh, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है इसमें कुछ uh, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जैसा नहीं है एक फॉर्मूला है उसका जो रेगुलरली हम लोग इंजीनियरिंग में देखते ही रहते हैं uh, सो so, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटर डीसी सी को क्यों ब्लॉक करता है सो so, सी इसकी डेफिनेशन क्या है वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी सी बट अलाओ एसी सो so, डी सी हैज़ ज़ीरो जि फ्रिक्वेंसी ये हम सबको मालूम है कि जो डीसी होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है जो हम यहाँ देख सकते हैं सो so, रिएक्टिव सो so, रिएक्टेंस इज़ इंफिनिटी वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये एक्सी जो हमारा फार्मूला होता है वन बाय टू पाई एफ सी सो ये जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये ज़ीरो हो गया तो वन बाय ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाता है ओके okay. सो so, ये चीज़ वो यहाँ बोलना चाह रहे हैं ठीक है सो so, हम लोग इसको आगे चल के देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है नॉट सो बेसिकली डीसी क्या करता है कि uh, uh, जो डीसी सी सोर्स जो होता है कैपेसिटर जो होता है वो डीसी सोर्स को ब्लॉक करता है सो डीसी हैज जीरो फ्रिक्वेंसीज और रियक्टेंसीज इन्फानाइट ओके दिस इज़ द रीज़न डीसी इज ब्लॉक्ड वाल ए सी हैज सम फ्रिक्वेंसी तो ये जो बोल रहा है कि ए सी हैज सम फ्रिक्वेंसी इट इज़ वेरी सिंपल एक्सी इक्वल्स टू वन वन बाय टू एफ सी ऑब्वियसली फ्रीकवेंसी होती है फिफ्टी हर्ड हर्ड्स होती है ओके okay. सो so, ये सब चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे अभी डेफिनेशन uh, देख लेते हैं सो वाई ए सी है वाइल ए सी है सम फ्रिक्वेंसी ड्यूटी विच कैपेसिटी लेट्स इट फ्लो ठीक है उस वजह से कैपेसिटी क्या करता है कि डी सी को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए क्योंकि डी सी का जो फ्लो होता है वो समथिंग ऐसा होता है ठीक है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है जो ए सी का सॉरी ए सी जो ए uh, सी का जो uh, फेजर डाइग्राम बनता है कैपेसिटी कैन स्टोर द चार्ज एज इट हैज़ टू इलेक्ट्रॉज इलेक्ट्रॉड विथ डायलैक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन लाइक वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ये उसका डायलैक्ट्रिक मीडियम है ये जो पोर्शन है वो डायलैक्ट्रिक मीडियम उसको बोलते हैं सो so, नेक्स्ट uh, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी जो कैपेसिटी रिएक्टन्स होता है जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटी uh, रिएक्टेंस ठीक है तो क्या होता है कैपेसिटी रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है कि एक्स सी वन टू पाई एफ सी सो इसमें कैसा होता है कि uh, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फिफ्टी हर्ट्ज है इंडिया में पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर एंड टू जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कंसिडरिंग सपोज ट्वेंटी या टेन एक वैल्यू लेके हम तो हमको क्या होता है कि एक्ससी का कुछ एक हमको अमाउंट मिलेगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन समथिंग ठीक है ये कम्प्लीटली uh, uh, जो कैपेसिटी uh, रिएक्टेंस uh, होता है वो ज़ीरो ए uh, में जो है वो इंफिनिटी नहीं होता उसकी कुछ वैल्यू होती है सो so, वही चीज़ वो यहाँ पे बोलना चाह रही है कैपेसिटी इज एक्सप्रेस एज लेवन वन बाय टू बाई एफ सी वेर एफ इज़ फ्रिक्वेंसी ओके एंड सी इज़ कैपेसिटन ऑफ द कैपेसिटर इन अदर वर्ड्स द हाइयर द फ्रिक्वेंसी एंड द लार्ज द कैपेसिटन्स द स्मॉलर द रजिस्टेंस कैपेसिटी रिएक्टन जिसको बोलते हैं टू ए सी करंट एंड देर फो एजियर इट इज फॉर द करंट टू पास ओबियसली ओम्स रॉ क्या बोलता है कि uh, अगर सर्किट में जितना कम रेजिस्टेंस होगा ठीक है uh, uh, ये ओम्स लॉ है ठीक है तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा हम ए में जो होता है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं डी में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं रिएक्टेंस बोले तो एक्स सी है तो कैपेसिटेंस एल है तो इंडक्टन और सो जितना कम रेजिस्टेंस होगा वो करंट को इतना ईजीली फ्लो करेगा ठीक है उसके बाद ये फार्मूला दिख लेते हैं मैं यहाँ आपका जो डाउट है वो हंड्रेड क्लियर हो जाएगा कि कैपेसिटर क्यों डीसी को ब्लॉक करता है तो सी एज़ पर द फॉर्मूला जैसे मैं बता रहा था कि एक्स इक्व टू वन बाय टू एफ सी होता है ठीक है तो so, इसमें क्या बोला इन इन डी सी देर इज़ नो फ्रिक्वेंसी सो एफ़ जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है ठीक है तो so, अगर एफ़ ज़ीरो हो गया ठीक है ये ज़ीरो हो गया तो ऑबियसली इस वैल्यू को अगर इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो हो जाएगी तो एक्सी इज इक्वस टू वन बाय ज़ीरो वन बाय जीरो बोले तो इन्फिनी तो क्या हो गया अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है जो सिस्टम में कैपेसिटेंस है वो इतना हाई है कि वो उसको मीनस दर इज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस रजिस्टेंस में यहाँ पर वो रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है सो uh, so जो रिएक्टेंस होता है वो बहुत हाई हो जाएगा ठीक है अब रिएक्टेंस जब हाई हो गया सो so क्या होगा अभी ऑब्वियसली अभी यहाँ पर बहुत हाई रेजिस्टेंस है सर्किट में तो ये करंट को फ्लो करने से अपोज करता है उसके तो फ्लो को स्टॉप कर करता है ठीक है सो इन डी सी कैपेसिटर एक्स एज ओपन सर्किट ओके ओपन स्विच और ओपन सर्किट आफ्टर चार्ज तो क्या होता है कि अभी ये जो सपोज़ ये एक सर्किट है यहाँ पे कैपेसिटर है यहाँ पे हमारा डीसी सी सोसिया है प्लस माइनस ये कैपेसिटर है तो ये क्या करता है ये अब ये यहाँ पर ऐसे ओपन सर्किट एक्ट करता है उस वजह से क्या होता है कि अब करंट फ्लो नहीं होता है बट ए में क्या होता है वो अपोजिट होता है करंट इन ए सी करंट देयर इज़ फ्रिक्वेंसी राइट फिफ्टी हर्स हर्ड्स इंडिया में होता है सो कंटिन्यूस चेंज इन पोलैरिटी बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो हमारा ये ग्राफ होता है पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूस चेंज होता है तो दिस इज़ द रीज़न कैपेसिटी डजन कैपेसिटर डो नॉट गेट चार्ज इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो कम्प्लीटली चार्ज नहीं हो पाता ठीक है मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा भाई ये जो लाइन बोल रहे हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल, uh, ठीक है सो इन इन ए सी द कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट सो क्या होता है कि ये भी सिस्टम में एज अ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे क्लोज सर्किट बनाते हैं और वो हमारा ए को फ्लो करता है सो so, अगर हम लोग फॉर्मूला देखने वन वन बाय टू एफ सी सपोज एफ फिफ्टी हर्ड्स ले लिया है पाए थ्री पॉइंट फोर ले लिया है हो, होता है ये टू जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक सर्टन uh, अमाउंट लेने के बाद वन बाय सपोज़ वो सिक्स टू एट फोर आया अगर हमने ट्वेंटी uh, हमारा कैपेसिटेंस ले लिया तो ये अराउंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो समथिंग आता है ठीक है तो मतलब वन टू जो भी एक वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि सिस्टम में कुछ तो कैपेसिटेंस है यहाँ पर कुछ तो कैपेसिटेंस है उसकी वजह से वो क्या करता है कि इससे क्या होता है कि फिर जो डी जो कैपेसिटी होता है वो ए को ब्लॉक नहीं करता है वो शॉर्ट सर्किट एजा काम करता है तो मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो ये है कि सो चेंज इन पोलैरिटी एंड रीजन कैफ डू नॉट गेट चार्ज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ सपोज ये एक सर्किट है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर कैपेसिटर है हमारा ठीक है यहाँ पर टू ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने ये कैपेसिटर है ये सपोज नाइन वोल्ट का है. तो क्या होता है कि जब जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा ठीक है और ये आ, जो आ, ये जो सिस्टम ये भी जो कैपेसिटर लगा है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज है ठीक है तो क्या होगा जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये एक सर्टन वोल्टेज तक ज़ीरो टू नाइन तक फुली चार्ज होता है अगर यहाँ ट्वेल्व तो वोल्ट है तो ट्वेल्व तो वोल्ट तक ये चार्ज होता है ठीक है जब तो क्या होता है ये एक चार्ज होता है ठीक है डे सी के थ्रू फिर एक टाइम के बाद ये चार्ज नहीं होता है क्योंकि अभी ये फुली चार्ज हो चुका है ठीक है तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है ठीक है अभी इसको और एक्सप्लेन करूँ तो सपोज़ ये है यहाँ पे ट्वेल्व वोल्ट है यहाँ पर हमारा ज़ीरो है ठीक है तो अगर फार्मूला हम लोग लेने जाएँ तो वी टू आई इन टू आर ठीक है तो हमारा रेजिस्टेंस हमने दो कंसीडर किया था ठीक है तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है अभी पॉइंट इस और इस पॉइंट के बीच में कितना है अगर ट्वेल्व माइनस ज़ीरो करूँगा तो ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व रेजिस्टेंस टू है तो कितना वोल्ट आया सिक्स वोल्ट ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हम लोग अभी कंसीडर कर लिए कि ये ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है तो क्या होगा जो वोल्टेज आएगा वो ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू ओम्स क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी। ठीक है तो इस वजह से क्या होता है कि फिर वो जो जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है सो so बेसिकली इसका सिंपल सा फंडा है जो अगर कोई तुमसे पूछे कि ए सी कैपेसिटर डी को क्यों ब्लॉक करता है और ए को क्यों अलाउ करता है तो उसका बेसिक आंसर सिंपल आंसर जो है वो ये है कि जो रिएक्टन होता है जो कैपेसिटेंस होता है सिस्टम का वो होता है टू पाई X is equals टू वन डिवाइडेड by टू pi एफ़ सी तो अगर DC में क्या होता है DC में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़ीरो होती है ए में फ्रीक्वेंसी क्या होती है फिफ्टी हर्ट्ज होती है ठीक है अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी रखता हूँ अगर मैं डी लेता हूँ यहाँ फ्रीक्वेंसी रखता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाता है तो वन डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी रिएक्टेंस जो कैपेसिटेंस होता है वो इन्फिनिटी हो जाएगा जब इन्फिटी इन्फिनिटी रिएक्टेंस है या सिस्टम में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस in, in, है तो ऑब्वियसली तो वो सिस्टम को जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर जो है वो पावर को ब्लॉक करेगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स और डी सी एन अलाउस ऐसे आई होप कि आपका डाउट क्लियर होगा अगर आ, इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप आ, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग